सलाह दे रहा है या तो सुझाव दे रहा है, ठीक ना। तो अगर रिपोर्टेड पार्ट को पढ़ने से पता लगे कि जिसने आदेश दिया, जिसने कुछ कहा है, माता पिता में से कोई एक है या डॉक्टर है या संत है या मित्र है, तो तुरंत समझ जाना कि रिपोर्टिंग वर्ग को या तो सजेस्टेड में बदल देना है या तो एडवाइज्ड में बदल देना है, ठीक। अब इसी के बाद प्रपोज। प्रपोज का मतलब होता है प्रस्ताव, ठीक। और प्रस्ताव किसे कहते हैं, पहले इसको समझना होगा। प्रस्ताव, जैसे कोई आदमी कुछ आपसे कहता है करने के लिए, ठीक, और उस कार्य को अगर आप कर देते हैं तो उस कार्य के हो जाने में उस आदेश देने वाले आदमी का स्वार्थ पूरा पूरा हो, तो इसी को कहते हैं प्रस्ताव, ठीक। जैसे मान लीजिए उसके पास फिजिक्स की बुक ना हो, आपके पास है, आपसे वो सोच रहा है कि अगर मैं फिजिक्स की बुक मांग लेता तो एक दो चैप्टर रात भर में जग करके लिख डालता, ठीक। आपसे कहता है, आप उसको दे देते हैं, तो उसमें उसी का पूरा स्वार्थ रहता है, इसी को कहते हैं प्रस्ताव, प्रपोज। तो इस प्रकार से अगर रिपोर्टेड पार्ट में मिलता तब समझ जाना रिपोर्टिंग वर्ग को प्रपोज में बदला जाएगा। और रिक्वेस्टेड और बेग्ड के लिए है कि अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको प्लीज मिल गया या काइंडली मिल गया या सर मिल गया या मैम मिल गया, तो इन शब्दों को हटाओगे और रिपोर्टिंग वर्ग को या तो रिक्वेस्टेड में बदलोगे या तो बेग्ड में बदलोगे, ठीक। तो जैसे किताबों में दिया रहता है कि भाव के अनुसार, यही एक शब्द जोड़ देते हैं कि भाव के अनुसार आर्डर में, कमांडेड में, सजेस्टेड में, प्रपोज्ड में, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में, बेग्ड में बदलते हैं, यही एक शब्द जोड़ देते हैं, ठीक। लेकिन ये नहीं बताते कि कब किस में बदला जाएगा, तो भाव के अनुसार में हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इसी चीज को याद रखना, जैसे पूरा की हिंदी निकाल लेना, हिंदी निकालने पर अगर उम्र में बड़े के द्वारा जान पड़ा है जो कुछ कहा गया तो आरण में, नहीं कमांड विभाग का बड़ा अधिकारी कहा है कमांडेड में, और माता पिता डॉक्टर संत या मित्र कहे हैं, प्रपोज है, प्रस्ताव, इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ग को बदलेंगे। और इस इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग होता है। आप लोगों ने देखा कि एसेटिव में कंजक्शन दैट, इंट्रोगेटिव में कंजक्शन इफ, वेदर या क्वेश्चन वर्ड, और इंपरेटिव में जो कंजक्शन आता है वो टू है, ठीक। इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में टू इज यूज्ड एज कंजक्शन, ठीक। इसको नोट कर सकते हो कि इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में टू का यूज होता है, ठीक। अब इसमें एग्जांपल देखा जाता है, जैसे है शिवम सेट टू मी काम एंड वट इट काम, गो देयर, शिवम ने मुझसे कहा कि वहां चले जाओ, ठीक। अब सबसे पहले इन्वर्टेड कामा के अंदर जाकर के सेंटेंस पहचानते हैं, ठीक। देख रहे हैं कि शुरू में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहने का मतलब है इंपरेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक वाक्य है, तुरंत बाहर आएंगे और ये भी जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को अब तो ऑर्डर, कमांडेड, एडवाइज, भाव के अनुसार बदलना है। तो पहले सोचें किसने किसको आदेश दिया है। शिवम ने मुझसे कहा वहां चले जाओ, तो शिवम का आता पता तो लग नहीं रहा है कि कौन है, ठीक, कि मित्र है, कि माता पिता में से कोई है, कि संत है, कुछ आता पता नहीं लग पा रहा है, ठीक। और चले जाओ लग रहा है जैसे आदेश दिया हो, तो जैसे ये भी कन्फर्म ना हो कि किसने किससे यह कार्य करने के लिए कहा है, तब भी समझ जाना रिपोर्टिंग वर्ग को ऑर्डर्ड में बदल देना है, ठीक। तो इसलिए शिवम का शिवम और सेट टू को ऑर्डर में बदल देंगे और टू जाएगा साथ में सेट के, ठीक। मी हो जाएगा, कामा इनवर्टेड कामा हटेगा, इंपरेटिव में कंजक्शन दैट ना आएगा, ना ही वेदर आएगा, ना क्वेश्चन वर्ड आएगा। इंपरेटिव के लिए
जो कंजक्शन फिक्स किया गया है वो टू कंजक्शन है, ठीक। और उसके बाद कुछ लोग गलते करते हैं कि सोचते कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट में टेंस बदलेगा। गो ना लिखकर बेंट लिख देते हैं तो बेंट नहीं होगा, गो होगा। इसके पीछे कारण क्या है कि जो टू है ना, टू टू के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, ठीक ना। टू अगर कहीं भी है उसके बाद वर्ब लिखना है तो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। यही कारण है कि गो का बेंट नहीं होगा। नहीं सोचो कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, लाओ इसको भी पास्ट किया दे, ठीक। तो इसे नहीं पास्ट किया जाए, इसे पास्ट नहीं बनाया जाएगा, ठीक ना। इसमें जो है गो का गो उतर जाएगा। टू आता है तो मेन वर्ब से कहता है तुमको सेकंड में जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तो फर्स्ट रहोगे, ठीक। तो इसीलिए गो रहेगा। और देयर दूरी प्रकट करने वाला शब्द है, तो दूरी प्रकट करने वाला शब्द नजदीक में नहीं आता है, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, इसीलिए देयर का देयर ही रहेगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा या क्वेश्चन उठ रहा होगा कि चलो ठीक है, आईएसएटी में दैट क्यों आता है, उसका भी कारण बताया गया। इंट्रोगेटिव में जो है, इंट्रोगेटिव में क्यों इफ वेदर आता है, क्यों क्वेश्चन वर्ड आता है, उसका भी कारण बताया गया। यहां पर टू क्यों आ रहा है, क्यों दैट को कंजक्शन नहीं बनाया गया है, ठीक। तो दैट को कंजक्शन क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ग्रामर बनाने वालों ने इसकी हिंदी निकाला तो हुआ कि शिवम ने मुझे वहां जाने का आदेश दिया, तो बीच में आ रहा जाने, ठीक। तो सोचे कि जाने की इंग्लिश क्या होती है, तो उनको याद आ गया सिंथेसिस में एक चैप्टर है इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव बताया गया था कि अगर किसी क्रिया हिंदी क्रिया के अंत में ना लेनी हो तो उसे इन्फिनिटिव वाली क्रिया बना देते हैं। इन्फिनिटिव कैसे बनता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो तुरंत सोचिए इस ना लेने के लिए चलो टू लिख लेते हैं, उसके बाद जो अंदर वर्ब है उसको फर्स्ट फॉर्म में उतार लेते हैं। तो टू लगा देने से भाव भी अच्छा जा रहा है, ठीक। तो शिवम ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, शिवम ने मुझे आदेश दिया वहां जाने का, इस प्रकार से इसमें कंजक्शन टू लग जाता है, ठीक। और इंपरेटिव सेंटेंस कभी कभी निगेटिव होता है, तो अगर निगेटिव होगा या पहले प्लीज और काइंडली वाला भी देख लीजिए, एक एग्जांपल और इस तरीके का, ठीक। जैसे है सी सेट काम आई नोटेड काम प्लीज हेल्प मी फुल स्टॉप रोड का मकलोज, उसने कहा कि कृपया मेरी सहायता करो, ठीक। तो देखिए रिपोर्टेड पार्ट में प्लीज आ गया, तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड कर देंगे, तो सी का सी हो जाएगा और सेट को किसमें बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, ठीक। और अंदर से प्लीज या काइंडली हट जाएगा, कंजक्शन के रूप में टू लग जाएगा, उसके बाद हेल्प हो जाएगा, मी बदलेगा सी के अनुसार, यहां पर हर आ जाएगा, ठीक। और यही इंपरेटिव सेंटेंस मान लीजिए निगेटिव है, ठीक। तो निगेटिव होने पर यह ध्यान देना है कि दो प्रकार से, अगर इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो इसको इनडायरेक्ट में बदलने की दो तरीके हैं, ठीक। उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, ठीक। जैसे है ही सेड टू मी काम आई नोटेड काम डू नॉट बाई दैट बुक, उसने मुझसे कहा कि उस पुस्तक को मत खरीदो, ठीक। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा,
डू नॉट बाई दैट बुक, उस पुस्तक को मत खरीदो। ठीक, तो देखा जा रहा है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस है शुरू में डू नॉट आया है, इसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है। ठीक, अगर डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो तुरंत समझ जाना कि यह इंपरेटिव निगेटिव है। ठीक, अगर इंपरेटिव निगेटिव है तो इसे इनडायरेक्ट में बदलने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरबेड में बदल सकते हैं। किसमें बदल सकते हैं? फॉरबेड में बदल सकते हैं। तो फॉरबेड, ठीक, फॉरबेड जो होता है एक फॉरबिड का सेकंड फॉर्म होता है। फॉरबेड मीन्स होता है मना करना, ठीक ना, फॉरबेड मीन्स क्या होता है? मना करना। तो इसको चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट उतार लेंगे ही का ही, ठीक, और सेट टू को फॉरबेड में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट मी सेम उतार लेंगे, ठीक, और इस अंदर से इस डू नॉट को हटा देंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डू नॉट को हटाएंगे क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फॉरबेड में बदल गई है। फॉरबेड नकारात्मक शब्द है, फॉरबेड में इस मना कर दिया, तो ए डू नॉट वाला जो नकारात्मक भाव है ये फॉरबेड में चला गया, इसलिए अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया, ये निरर्थक हो गया। इसको हटाएंगे और कंजक्शन के रूप में टू लगाएंगे, टू उसके बाद बाई, दैट का दैट रहेगा और बुक का बुक रहेगा, अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ही फॉरबेड मी टू बाय दैट, या एक तरीका इसका और है, सब्जेक्ट को उतार लो, रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदल सकते हो, तो ये एडवाइज्ड हो जाएगा क्योंकि पुस्तक खरीदने और लेने की बात है, एडवाइज्ड ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। और जब रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदला जाएगा तब डू नॉट को हटाएंगे, दोनों पार्ट को नॉट टू कंजक्शन से जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ देंगे नॉट टू और बाई का बाई रहेगा, दैट का दैट रहेगा और बुक का बुक, अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ही एडवाइज्ड मी नॉट टू बाय दैट बुक, उसने जो है सलाह दिया पुस्तक न खरीदने के लिए। तो इस प्रकार से अगर इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जा सकता है, ठीक ना, रुका जाए ना। इंपरेटिव सेंटेंस में निगेटिव कंप्लीट हो गया, अभी इसी के बाद में लेटस और लेट, ये दो प्रकार का सेंटेंस और बच रहा है, ठीक ना, जिसे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ठीक।